मोहब्बत की कोई हद नहीं होती बाबा साहब। एक बार जब ये मोहब्बत किसी को अपनी हद में ले लेती है ना, तो फिर बेहद होती है, बेहद तकलीफ, बेहद चाह, कुछ भी हद के अंदर नहीं होता फिर। मैं सिर्फ मेरी है। बाबा आपने बचपन से हमें एक ही बात सिखाई है कि हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, हम जिंदगी रोज कमा के जीते हैं। मैं अपनी बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि पढ़ाई के बीच में उनकी शादियां करूं और उनको रुखसत कर दूं। मैं चाहता हूं वो कोई मकाम हासिल करें, अपने पैरों पर खड़ी हो। हैंडसम सा हीरो है, अच्छी खासी हाइट है उसकी, ब्लैक शेड्स भी लगाए हुए थे, किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। और पता है इतनी बड़ी गाड़ी थी उसके पास, और उसकी भी बड़ी गाड़ी में उसने गार्ड्स बिठाए हुए थे। हकीकत में वापस आ जाओ, और हकीकत में हीरो नहीं होता, सिर्फ विलन होता है। अच्छी वीडियो बना रहे हो ना, अच्छा लग रहा हूँ मैं। बस ये सोच के वीडियो बनाना कि हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी वीडियो। कैसे अंकल? पूछना ये था कि आप अपनी बेटी का सदका देते हैं? दिल आ गया मेरा इस पे, पसंद आ गई है मुझे। बस कर, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा प्लीज। एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, रुखसती कर लीजिएगा। अगर एक हफ्ते में उसके साथ महक का निकाह नहीं किया, वरना उठा के ले जाऊंगा। नवाबों का घर है ये, 7 पुश्तों से हमारे खून में कोई मिलावट नहीं हुई है। तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ हम सब चाहेंगे। शादी तो मेरी महक से ही होगी, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। फिर से कहो। मेरे बाबा पुलिस के पास है। अरे बाबा नहीं, मेरा नाम लो, थोड़ा प्यार से बोलो। सुबह होने से पहले तुम्हारे बाबा घर पहुंच जाएंगे। इस गली में सारी जिंदगी सर उठा के चलाऊं, आज उस गली में सर झुका के घर आया हूं। मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूं। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूं, जिसका दिल चाहेगा जब चाहेगा मेरी बेटियों को उठा के ले जाएगा, जब दिल चाहेगा मुझे जेल में डलवा देगा, जब दिल चाहेगा मुझे पिटवाएगा। अगर रूह का जिसमें रहना जरूरी ना होता तो मैं आपको अपनी मरी हुई रूह दिखाती, दिखाती आपको कि आपने मेरा क्या हश किया। क्या किया? मैं मोहब्बत ही तो करता हूँ तुमसे। मैं चाहता हूँ कि महक और एहसन की शादी करते हैं जल्दी। तुम दोनों का निकाह हो जाए, तुम्हारा भूत उसके सर से खुद ही उतर जाएगा। अम्मी वो आ गया। चची की तो ये तो आपके घर जा रहा है। आंखें फाड़ के देख लो और कान खोल के सुन लो सब। जिसने भी महक की तरफ आंख उठा के देखा उसका यही हाल होगा। महक सिर्फ मेरी है, महक सिर्फ मेरी है। डालो इसे गाड़ी में। मना किया था आपको ये निकाह मत करें, अब देखें कितना तमाशा हो रहा है मेरी वजह से। मेरा दिल चाहते मैं अपना गला घूम लूं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सॉरी मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। शमशीर मेरे लिए ठीक है। आप लोग यहाँ आए मेरे घर मेरी बेटी से निकाह के लिए, मेरी ये खुश नसीबी मेरी बदनसीबी से ज्यादा बड़ी नहीं है। आइए तशरीफ ले। अगर महक को कुछ हुआ जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। क्या हुआ महक को? उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बच नहीं पाई, मर चुकी है।
बाबा साहब ऐसा हो नहीं सकता, वैसे नहीं मर सकते। बहुत प्यार करते थे उससे, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बोल दिया शमशेर। मैं एक से मोहब्बत करता था, करता हूँ, जिंदगी भर करता रहूंगा। मैंने शमशेर को मार दिया, महक की मौत का कौन लेता बदला? बताए आपको, बताए मुझे। अरे बेवकूफ महक, अभी चुप। वो लड़की मरी नहीं, उसकी माँ बाप सारे घर वाले साजिश में शामिल हैं। शमशेर को महक के बारे में मालूम हो गया है, महक को उठा के ले गया अपने साथ। महक बीबी, आपको ये निकाह कबूल है? आप दोनों के लिए एक सरप्राइज, निकाह कर लिया। मेरे पापा, पापा आए हैं, मुझे उनसे मिलने दो। पापा, क्या चाहते हो तुम? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, अपने घर जाने। पागल है तुम्हारा भाई, और उस दो कौड़ी की लड़की को इस घर में ले आया। अरे जवान खून है, जवानी में ऐसी गलतियां होती रहती है, किसी ने उसको देखा थोड़ी है गाड़ी पे ट्रक चढ़ाते हुए। आपने मरवाया उस लड़की को? नहीं, मैंने तो अपने बच्चे को मरने से बचाया। मुझे बताएं कि आप उसे निकालेंगी कब घर से? मेरे बेटे ने उससे निकाह किया, उसकी बीवी है। जब मैं बात करता हूँ तो सब सुनते हैं, आगे से कोई बोलता नहीं है। बीवी है मेरी, बाबा साहब है, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई इससे स्टोन में बात करे। दो दिन हैं तुम्हारे पास, दो दिन। अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे से खुला ले ले, और अगर ऐसा ना किया तो सड़कों पे भीख मांगो। तुम, तुम्हारी बेटी, पूरा खानदान, और कोई भीख नहीं देगा। कैसे नहीं मारा उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है? रात पे ट्रक मैंने चढ़ाया था, दूसरी मर्दा भी इसको मारने गया था, तो वो बच गई मालक के कहने पे। शमशेर, शमशेर मेरी बात सुनो। मेरी बात नहीं सुननी मुझे किसी की बात। जो कुछ शेरू ने कहा है, अगर वो सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। मैं लानत भेजता हूं इस खानदान पर। मर जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। मैंने एक फैसला किया, कल मैं थाने जाके रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। हमें बस एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। अभी देख लेते हैं किसकी शामत आ गई है शहर में। नवाबजादा दिलावर। वैसे तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन, और मैं इस खुशी के दिन को नाराजगी की नजर नहीं करती। मेरी जॉब लग गई है। हाँ, मेरी भी जॉब लग गई है, 50,000 सैलरी मिली, इंसेंटिव्स भी हैं और ऑफिस भी बहुत शानदार है। शमशेर, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम हॉस्पिटल में, शी इज क्रिटिकल। मिसेस दिलावर कौन से रूम में? आई एम सॉरी सर, उनकी कुछ देर पहले डेथ हो चुकी है। शमशेर, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? मम्मा चली गई। कहाँ चली गई? मम्मा मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई, मिलने गया था मैं उससे, बाबा साहब ने आखिरी बार देखने नहीं दिया। आई नो तुम्हारे लिए ये मुश्किल टाइम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब
तुम कह रही थी ना कि बीवी सबसे ज्यादा महफूज अपने शौहर के साथ ही होती है। हाँ, इसलिए तो यहाँ आई। आप लोगों को मारने कराते से नहीं आया था, मेरी बीवी गांव है इसलिए मैं पिस्तौल के साथ आया था, वरना मालिक ने उसे मरवा देना था। आखिरी वार्निंग देने आया हूँ, अगर आएंगे मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा उसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। शेरू मर गया। शमशेर हम नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? तुम्हारी जिंदगी की कीमत पे ये जंग नहीं लड़नी मुझे। मैक, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जरूरत है। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले। आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुकम्मल हूँ, बल्कि हम मुकम्मल। तेरे दाम से लिपटा था मेरा आंसू गिरा तो नहीं तेरा साया मेरे। मैंने सुन ली थी बहुत चार, कई बार तुमसे कहा भी है कि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, एक बार कहूँगा, सुनना चाहता हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। मेरी सांसें मुझे दे दे, खुदा रा मुझे पहचाने दे, मेरी फरियाद सुन ले तू कभी सुन। मैं नवाबजादा दिलावर साहब का वकील अब आपके सामने उनका इकबाल जुर्म पढ़ने जा रहा हूं। मैं नवाबजादा दिलावर वल नवाबजादा सरफराज अहमद
अपने पूरे होश व हवास में इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कत्ल, अगवा और जमीनों पर कब्जे समेत मुतअद्दिद जराइम में मुलव्वस रहा हूँ, जिसकी तफसील मैं अपने वकला को बता चुका हूँ जो इसे कोर्ट में जमा कराएंगे। दीगर जराइम के साथ साथ मैं खुद को अपनी बीवी और बेटे की मौत का भी जिम्मेदार समझता हूँ। इसलिए मैं खुद को पुलिस के हवाले करके इंसाफ के लिए पेश कर रहा हूं। खाना खा लो, भूख नहीं है। मैं कब तुम्हारे साथ एक और जिंदगी भी जुड़ी हुई है, खाने पीने का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना।
जानती हूँ कि मुश्किल है तुम्हारे लिए बहुत, अगर जिंदगी तो जीनी है ना बेटे। जो जिंदगी जीनी चाहिए थी वो तो जीनी अम्मी, वो बदल रहा था सिर्फ मेरे लिए। मैंने उसको अपने हाथों से गवा दिया। बेटे सब्र करो, नहीं होता सब्र अम्मी, बहुत मुश्किल हो गई है जिंदगी मेरे लिए। शमशेर ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, और मैं उसको बस सजा देती रही। कितने थोड़े दिन थे जब हम सच में साथ थे, गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता ना बेटे। मां बनने वाली हो तुम तो अपनी औलाद के बारे में सोचो। वो शमशेर की कजन आई है तुमसे मिलने के लिए, नीचे बिठाया उनको। मुझसे? हाँ बेटा। जाओ बेटे, शाबाश। कैसी है ये? आप देख तो रहे हैं कैसी, 2 महीने हो गए हैं लेकिन महक के दिलो दिमाग से सदमे का असर कम ही नहीं हो रहा। बड़ा सदमा है उसके लिए, बाहर निकलने में उसे कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा ना। मैंने सुना था कि अगर बुरे आमाल कि सजा इस दुनिया में मिल जाए तो आखिरत आसान हो जाती है, तो ऐसा क्या गुनाह किया मेरी महक ने कि कुदरत ने इतनी बड़ी सजा सुना दी उसके लिए? ये जान इस तरह रोगी, दिल छोटा करोगे तो बेटी को कैसे संभालोगे? उसके सामने नहीं रोती हूँ मैं, लेकिन माँ हूँ ना, मेरा कलेजा फट जाता है उसे ऐसे देख के, उसके खामोश नहीं बर्दाश्त होती ना, मुझसे नहीं होती बर्दाश्त। मेरी जान सब ठीक हो जाएगा। ये बेटी के लिए हमें खुद को संभालना होगा। तुझे आपको पता है मैं चाहती थी कि अपनी जिंदगी ना एक ख्वाब की तरह गुजारूं, मगर अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि हकीकत ख्वाब से बहुत बेहतर होती है। मेरे पास जो है ना उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और अब मेरी वजह से आप सबको कोई तकलीफ नहीं होगी, पक्का वादा। मैं काफी दिनों से आना चाह रही थी तुम्हारे पास। मैं कल US जा रही हूँ हमेशा के लिए, फिर वापस नहीं आऊंगी कभी भी।
तुम ये सब मुझे क्यों बताने आई हो? मैं जानती हूँ कि मेरा ये सब कहना बिल्कुल बेमायने लगेगा, कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ या मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मगर थोड़ी तकलीफ मुझे भी हुई है, मेरी यक तरफा की हुई शमशेर से मोहब्बत, उसी के सहारे अब मैं अपने बाकी की सारी जिंदगी गुजार लूंगी। महक, बस मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, बस तुम्हारी जिंदगी में जो भी तकलीफें मेरी वजह से आई हैं, तुम मुझे बस उन सब के लिए माफ कर दो। मैंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि तुम्हारी दी हुई तकलीफ सब मुझे याद भी नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हम सबका किरदार रहा है शमशेर की मौत में, हमारी छोटी छोटी बातों ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। कितने बरसों से सोचा था कि वो मेरा होगा, मगर किस्मत देखो वो किसी का ना हो सका। ना तुम्हारा और ना मेरा। तुम गलत कह रही हो, हम दोनों ने कभी एक शख्स से मोहब्बत की ही नहीं थी। जिस शमशेर से तुम मोहब्बत करती थी उसकी तो सिर्फ मैं जिद थी, मगर जिस शमशेर ने मुझे शादी करने की बहुत बात हासिल किया था उसने मेरे लिए हर जिद छोड़ दी थी। बहुत फर्क था दोनों में। बातों का क्या फायदा? किस बात का? जिससे तुम मोहब्बत करती थी जिससे मैं मोहब्बत करती थी वो दोनों शख्स नहीं रहे। बस इसकी यादें एक लंबी जिंदगी। चाची आप हटे, मैं कर देती हूँ।
बेटा मैंने तुम्हें कल भी मना किया था, आज फिर आ गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से ऐसा तुम्हारे दरमियान कोई गलत फहमी या लड़ाई हो। तुम जाओ बैठो, मैं यूं करके नाश्ता लाती हूँ। हाँ, काफी बदली बदली लग रही हैं आप। बेटा कैसे ना बदलती, वैसे मैंने शुरू में बड़ी कोशिश की मैं तुम्हें बदल लूं, लेकिन जो महक का वाकया हुआ है ना, उसके बाद तो डर ही लगा रहता है। सच्ची, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सब ने अपनी जिंदगियों से बहुत कुछ सीख लिया, और मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई भी और गलती हो। चाची आपको पता है, मैं चाहती थी कि अपनी जिंदगी ना एक ख्वाब की तरह गुजारूं, मगर अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि हकीकत ख्वाब से बहुत बेहतर होती है। मेरे पास जो है ना उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और अब मेरी वजह से आप सबको कोई तकलीफ नहीं होगी। कवाल, मेरी बेटी की तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और अब आगे भी ठीक रहेगी। अब आप जाके आराम से बैठे हैं, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ, हम दोनों साथ नाश्ता करेंगे, फिर बाद में कॉलेज ले जाऊंगी। जी जी। और हाँ सुनो, वो नाश्ते के बाद के बर्तनों की बिल्कुल फिक्र ना करना है। सासू माँ है ना, मैं समेट भी लूंगी और धो भी लूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम लेट हो कॉलेज के लिए। ठीक है। मैं अब निधा को कहीं आपने देखा? कहीं गुम गई? नहीं, वो हमेशा मैं उसका इंतजार करता रहता हूँ, खुदा ने में वो देर करती है। आज मेरे उठने से पहले ही रूम से बाहर चली गई थी। किचन में? किचन में? चले मैं देखता हूँ। सुनो निधा का ख्याल रखा करो। ये आप मुझसे कह रही? यहाँ कोई और नजर आ रहे थे? नहीं, मेरा मतलब आप हमेशा मुझसे निधा की शिकायतें करती रहती हैं, पर आज खुद ही मुझे उसका ख्याल रखने को कह रही है, और वो भी सुबह सुबह किचन में। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा यही तो फर्क है इंसान और दीवार, कि इंसान बदल सकता है, वरना बेजान ईंटों और इंसान में कोई फर्क ना रहे। चले देखता मैं उसको। पराठे बना रही? अरे आ गए आप बैठे, मैं दो मिनट में नाश्ता लगा रही हूँ। जानती हूँ अम्मी बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। अम्मी का बेटा भी अगर तारीफ करेगा तो क्या ही बात होगी। निधा, मुझे तुमसे लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है, बस रोज रोज की झिकझिक से तंग आ जाता हूँ। अगर सब ठीक रहे ना तो सबसे बड़ा तरफदार मैं हूँगा तुम्हारा। जानते हैं, मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप मेरे तरफदार बन जाओ। निधा, हम दोनों के आइडियल्स कुछ और ही थे। अगर हम जिंदगी में अपनी मर्जी के आइडियल्स ढूंढने लग जाए ना तो जिंदगी थका देती, लेकिन अगर हम जिंदगी के फैसलों को मान लें तो जिंदगी खुद आइडियल बन जाती है। अगर तुम इतनी कोशिश कर सकती हो तो मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। अगर मिल जाए तो प्लीज माफ कर दे। I said something to you.
खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं, अब जैसे भी है मेरे। आपकी इजाजत हो तो मैं नवाब साहब की वेल आपको पढ़कर सुनाऊं। जी। देखिए, नवाब साहब के वेल के मुताबिक उनकी तमाम जायदाद में से 2000 एकड़ जमीन, 5 शुगर मिल्स, 6 बंगले और 3 प्लॉट के साथ साथ दीगर कंपनीज में भी उनके मरहूम बेटे की जौजा महक बीबी को 50% हिस्सेदार बनाया गया है। आप एक दफा फिर चेक कर लें, वो ये नहीं कर सकते, मुझे लग रहा कोई गलती हो गई है। नहीं बीबी, ये विल नवाब साहब ने अपनी हयात में खुद मेरे सामने बैठ के बनवाई थी, जिस पर नवाब साहब ने खुद साइन किए थे और दारा साहब ने इसे चेक भी किया था। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ये सब चैरिटी में देना चाहूंगी। आप एक मरतबा अपने फैसले पे नजरसानी कर रहे हैं। ये मेरा आखिरी फैसला। ऑल राइट, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा कर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, आप इस पर साइन करें। चले बाबा। मैं सासा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी। मैं सासा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी। मैं सासा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी। मैं सासा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी। मैं सासा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी। ओके, चलो टाइम टू गो। तैयार हो गया हमारा बेटा शमशेर। चलो आ जाओ, बाहर चलें। आज आपकी बर्थडे पार्टी है, बाहर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारा प्रेजेंट्स हैं, चलोगे ना? आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। शाबाश मेरा बेटा, गुड बॉय। ये लो लॉलीपॉप। आप भी जल्दी से आओ बेटा, बाहर मेहमान आ गए। चलो भाई, चलो भाई, जिन्ना बात ज्यादा बेटा। हैप्पी बर्थडे।
तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की बर्थडे एक ही दिन होती है। आज हमारा बेटा शमशेर 2 साल का हो गया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे जीने की वजह तुम्हारे बेटे ने दी है, हमारे बेटे ने। लेकिन मैं तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर सकती। सब मुझे कहते हैं मैं बहुत खामोश हो गई हूँ, बातचीत नहीं करती ज्यादा। हमारा बेटा गुस्से का बहुत तेज है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हर दिन यही कोशिश करती हूँ कि वो तुम्हारी तरह ना बने। जो सब मैंने बर्दाश्त किए, मैं नहीं चाहती कल को कोई भी उसकी वजह से वो सब बर्दाश्त करे। जानती हूँ तुम सुधरे, बदल गए, लेकिन इस सब का बदावा तुम कभी नहीं कर सकते थे जो सब तुमने किया। हाँ, मैं तुम्हें माफ जरूर की, लेकिन जो कुछ मैंने सहा मैं वो सब भुला नहीं पाऊंगी कभी। बस रोज यही कोशिश होती है कि हमारे बेटे की अच्छी परवरिश कर सकूं, उसे एक अच्छा इंसान बना सकूं। I miss you. I will always miss you. तुम हमेशा कहते थे ना मुझे एक बार कहो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो अब दिन में कई बार कहती हूँ तेरे दामन से लिपटा था मेरा आंसू गिरा तो नहीं, तेरा साया मेरे आगे मेरी आवाज पीछे का टाइम दे रहा हूं, रुखसती कर लीजिएगा वरना उठा के ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि महक की और एहसन की शादी कर दें जल्दी। तुम दोनों का निकाह हो जाए, तुम्हारा भूत उसके सर से खुद ही उतर जाएगा। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। सड़क छाप लड़की इस घर की बहू नहीं हो सकती। मोहब्बत करता था मैं तुमसे, अपनाना चाहता हूं। मेरे दिल चाहते हैं मैं अपना गला खो गया। धोखेबाजी के इल्जाम में आपको, आपकी बेटी, आपके पूरे खानदान को सलाखों के पीछे फुकवा दूंगा। अब तुम्हारी ये जिंदगी
मेरे नाम तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। अगर रूह का जिसमें रहना जरूरी ना होता तो मैं आपको अपनी मरी हुई रूह दिखाती आपको कि आपने मेरा क्या हश किया।